दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme 5 के बारे में। देखिए दोस्तों, सुबह से शाम तक के अंदर डेली मुझे कॉल आता है, क्योंकि मैंने अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी कॉल कर सकते हो। लेकिन डेली मुझे ये Realme 5 के बारे में इतना सारा सवाल आता है, मैं आपको समझा भी नहीं सकता। मतलब मेरा Realme मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है, मेरा Realme का मोबाइल बंद हो गया, ऑन नहीं हो रहा है, मेरा Realme मोबाइल जो है Realme लोगो में अटक गया, बहुत सारा दिक्कत आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे, अगर आपका Realme 5 Pro 5i, ये जो 3-4 मॉडल है, ये अगर उसमें अगर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट प्रॉब्लम, मतलब आपका मोबाइल कॉल आने से बंद हो जाता है, या तो आप डाटा ऑन करते हो आपका मोबाइल बंद हो जाता है, कैमरा ऑन करते हो आपका मोबाइल बंद हो जाता है, सेम चीज इसमें हो रहा है। और मैं इस मोबाइल को रिपेयर करके जो कस्टमर है उसको दे रहा हूं, तो आप भी अपना मोबाइल को मतलब अगर किसी भी रिपेयरिंग शॉप लेके जाओगे ऑटोमेटिक स्विच ऑफ वाला प्रॉब्लम लेके, तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि आपका बैटरी खराब हो गया है। लेकिन एक्चुअली में बैटरी खराब नहीं होता है, और मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा कि आप अपना वही बैटरी में बिना बैटरी चेंज किए कैसे ये Realme 5 का ऑटोमेटिक स्विच ऑफ वाला प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। तो वीडियो को एकदम स्किप मत करना, वीडियो को आखिरी तक देखना। आखिरी तक देखोगे तो आप भी किसी रिपेयरिंग शॉप में जाके इस वीडियो को दिखा के अपना मोबाइल का रिपेयर करा सकते हो। ज्यादा नहीं, 200-400-500 में आपका मोबाइल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है Realme 5। देखिए मैंने इसके ऊपर तो बहुत सारा वीडियो बनाया है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज्यादा आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा आ रहा है Realme 5 में, मतलब सुबह से शाम तक कम से कम 10-15-20 कॉल तो आ ही जाता है कि मेरा मोबाइल जो है ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपका Realme 5i या तो 5 Pro ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो रहा है, कॉल आने से बंद हो जाता है, या तो चार्जिंग लगाने से ही आपका मोबाइल ऑन होता है, नहीं तो ऑन नहीं होता है, रिस्टार्ट होता ही रहता है, तो इस सब प्रॉब्लम का सलूशन आप आराम से कर सकते हो किसी रिपेयरिंग शॉप में लेके बिना बैटरी चेंज के। देखिए मैं मोबाइल का स्क्रू ऑलरेडी खोल चुका हूं, और इस मोबाइल को मैं बना भी चुका हूं, और बना के जो कस्टमर है उसको दे दिया कि भाई देखिए थोड़ा चला के देखो कि आपका मोबाइल ठीक है कि नहीं। वो तो देख के रेडी बोल दिया कि हाँ मेरा ठीक हो गया, इसमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ऑटोमेटिक स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। तो क्या मैंने ठीक किया वो आपको बताऊंगा, और आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा कि क्या मैंने ठीक किया। तो आप भी अपना मोबाइल को सेम इसी तरह से मतलब फिक्स कर सकते हो, बिना बैटरी चेंज किए आराम से इसको फिक्स कर सकते हो। देखिए मैंने मोबाइल को खोल लिया, और आपको एक जम्पर ही करना है बैटरी में, और कहां पे क्या जम्पर करना है मैं आपको दिखाता हूं, वही चीज आपको फॉलो करना है। देखिए मैंने बैटरी खोल लिया, सॉरी मोबाइल को खोल लिया, और इस चीज को ऐसे करके निकाल लेना है, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप आराम से देख लीजिए। और इसको खोल के आपको क्या करना है, मैं ओनली देखिए बैटरी को खोलना है, ऐसे बैटरी को खोलना है, दिखाई दे रहा है, बैटरी को खोलना है, खोल के आपको दिखाता हूं क्या करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है दोस्तों, बैटरी को खोल के मैं आपको दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कर लो थोड़ा। देखिए मैंने खोल लिया, और मैंने इधर जम्पर लगा दिया है ऑलरेडी। देखिए मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस जगह में देखिए इधर मैं जम्पर लगा दिया हूं, मैं फोटो खींच के दिखा दे रहा हूं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। उस जगह में आपको ओनली जम्पर लगा देना है, जम्पर लगा दोगे तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको दूसरा कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है, और आपका अगर मोबाइल बन गया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर लिखना कि मेरा मोबाइल बन गया इसी ट्रिक में। ठीक है दोस्तों, तो ये कमेंट करके बोल सकते हो, और वीडियो को एक लाइक कर देना, हो सके तो ये वीडियो को अपना दोस्तों के साथ फेसबुक में इंस्टाग्राम में शेयर कर देना, क्योंकि जैसा आपका ठीक हुआ वैसे सबका ठीक होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग बैटरी चेंज करके 1800-2000-3000 रुपया खर्चा भी कर देता है। तो जो काम 200-500 में हो जाने वाला काम है उसको क्यों 2000 रुपया खर्चा करें। तो यही था आज का वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।